प्रतिष्ठित संस्था LIC के नाम पर तीन एजेंटों द्वारा ग्राहकों को फर्जी रसीदों के जरिए बीमा कर हजारों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को रहीमपुरा के एक परिवार ने SP को तीन एजेंटों की नामजद शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। इस फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ जब पॉलिसी धारक की मौत के 7 दिन बाद उसे पॉलिसी जनरेट होने के दस्तावेज मोबाइल पर जारी किए गए। SP ऑफिस पहुंचे मोना सिलावट, जगदीश सिलावट आदि ने बताया कि वे सभी रहीमपुरा निवासी होकर एक ही परिवार के सदस्य है। 21 सदस्यों ने एक साल पहले रूपाली सावनेर, वैष्णवी कर्मा, वीरेंद्र पटेल तीनों निवासी इंदिरा नगर से एक साल पहले अलग अलग राशि का बीमा कराया था। यह तीनों से प्रतिमाह बीमा किस्त के नाम पर राशि लेने उनके घर आते थे। 8 लोगों को पॉलिसी दी थी लेकिन किस्त की राशि स्वयं के खाते या फिनो बैंक की रसीद से ली जा रही है। कभी भी LIC कंपनी की अधिकृत रसीदें उन्हें नहीं मिली। ऑनलाइन पेमेंट भी उनके खाते में ही कराते थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये शिकायत का मामला ये है कि हमने जो से बीमा करवाया था 21 परिवारों का LIC बैंक में, उसमें हमारे साथ फ्रॉड किया गया है। फ्रॉड ऐसा हुआ है कि 21 में से एक की डेट हो गई, 7 महीने पहले उसने किस्त भरी थी। 7 महीने से मतलब लगातार हर महीने की किस्त भरते आ रहा था, तो उसकी ना तो अभी तक बीमा पॉलिसी आई है और ना ही तो रसीद आई। और जब उसकी डेट हो गई 12 तारीख को, उसके बाद में उसकी बीमा पॉलिसी एक्टिवेट कब हुई, मतलब 20/7/2022 को, और जब उसकी मृत्यु हुई है 12/7/2022, तो ये फ्रॉड ही है ना सर। कहाँ करवाई थी आपने पॉलिसी? पॉलिसी घर पे करवाई थी। मैडम आई थी, रूपाली करके मैडम, उनका एजेंट है वीरेंद्र पटेल, और मैं हर पूरा परिवार 12-12 महीने भर चुके, एक एक साल पैसा। कौन सी कंपनी में कराया बीमा? LIC बैंक ही अपना है, LIC बैंक बीमा LIC का ही है। हाँ। बाकी वो अभी फिनो से जुड़े है, उसमें हमारे को इतना मालूम नहीं था। बाकी हमने जो बीमा करेल है वो LIC का है। वो खुद बोल के गई कि मैं LIC से हूँ, LIC एजेंट हूँ, तो हमने बीमा करा। उससे पहले हमने इसको ये भी बता दिया था कि हमने साई प्रसाद ने बीमा करवाया था, मेरे 30,000 रुपये खा चुका। नहीं नहीं, क्या हम खुद LIC एजेंट है, सरकारी बैंक है, रसीद है हमारे पास, ये लोकल रसीद दे रखी है हमारे। अब ये क्या है, विश्वास की तौर पे हमारे पास कागज है, ये रसीद होने दे रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब ये रसीद होने दे रखी है, ये सभी की रसीद है मेरे पास। क्या अभी पुलिस अधीक्षक से मिले आप, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर ने बताया है कि इसकी कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोना सिलावट। कहाँ रहते हो? रहीमपुरा खरगोन। कितने लोगों के ऐसी पॉलिसी? 21 बीमे करवाए हैं, उसमें से 8 पॉलिसी आई है, बाकी सब फ्रॉड हुआ है। वो साल भर के पैसे गुल हो गए और खा गए, ऐसे गरीब लोगों के पैसे खाना। अब क्या मांग करते हैं आप? अभी मांग तो देखो, अभी जो कार्रवाई करते हैं उस हिसाब से अब होगा। जो भी मांग तो ये है कि देखो, अभी विधवा भाई। क्या नाम है आपका? इनका नाम है बाघू भाई। मेरा LIC बैंक का बीमा करवाया हमने, और मेरा पति मर चुका है। अब वो रूपाली मैडम पैसे देने को आती नहीं हमको, और उसको हम 2-4 बार फोन लगा के बुलाए तो बोलती है कि मैं आज आ रही, कल आ रही, ये कर रही, वो कर रही। हमको कुछ समझ नहीं पड़ता, हाँ हम अनपढ़ लोग हैं, और हमको ऐसा घुमा रही है वो, तो हम यहाँ आए हैं सर के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बागू भाई। कहाँ रहते हो? रहीमपुरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।